अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बियाबानी न्यूज़ चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में एक और कंप्लेंट हुई दर्ज। पहाड़ी शरीफ पीएस रिसीव्ड ए कंप्लेंट अगेंस्ट मालून वसीम रजवी गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जलपली म्यूनसिपाल्टी के लीडर्स और दीगर आवाम के नुमाइंदों ने ये पिटीशन रजिस्टर करवाई। मुसलमानों में गुस्से की लहर देखी गई और वसीम रजवी गुस्ताख रसूल मालून को कड़ी से कड़ी सज़ा देने की इल्तिजा की गई। वसीम रजवी के नापाक इरादों की मुखालिफत करते हुए मीडिया को दिया अपना अपना बयान। आइए देखते हैं ये ब्यूरो रिपोर्ट। इसी तरह की अहम खबरों के लिए बियाबानी न्यूज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। मुबारक, यानी ऐसी जो है ये किताब है और उनका जो मुकाम है उसको जो है बदबख्त ने तकलीफ़ पहुंचाने के वास्ते, सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने के वास्ते कई जो है ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे जो कि किसी भी इंसानियत को जो है इजाज़त, इंसान के लिए इजाज़त नहीं देते। तो आज जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी के तमाम माइनॉरिटी लीडरों की टीम और हमारे कुछ भाई भी है यहाँ पे SC ST के, वो सब मिलकर बालापुर और जलपल्ली म्यूनसिपाल पहाड़ी शरीफ PS में इसके खिलाफ एक पिटीशन डाले और यहाँ पे CI साहब को मिले, मिलकर इनको बताया कि इसके खिलाफ में फौरी जो है FIR करके इसको जो है कंप्लेंट रजिस्टर केस बुक करें। और ये UP का रहने वाला है जो कि हिंदुस्तान के नहीं बल्कि सारी दुनिया के मुसलमानों के जो है तकलीफ जज्बात को ठेस पहुँचा रहा। और हम ये डिमांड कर रहे हैं, चाहे हिंदुस्तान की हुकूमत हो या तेलंगाना हुकूमत हो, इसको फौरी जो है कंप्लेना दिए, इसको जल्द से जल्द इसको गिरफ्तार करके इसको दोबारा इसकी जबान काट दे ताकि किसी भी जो है कौम के लिए ये कोई गलत इस्तेमाल ना करे, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल ना करे। और इसका जिक्र हम हमारे यहाँ के MLA को भी बोले जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है सविता रेड्डी मैडम, उन्होंने भी कहा कि फौरी जाकर आप लोग PSO में कंप्लेन दें, आपके लोकल PS में हमसे जो हो सकता, हम यहाँ के जो होम मिनिस्टर है महमूद अली साहब उनसे भी जो है नुमाइंदगी करेंगे, कर उनकी भी नॉलेज में ला के यहाँ पर जो है कंप्लेन देने के लिए इंशाल्लाह, हम देश केस दर्ज कराने के लिए उनसे भी हम नुमाइंदगी करेंगे। और मुसलमानों की तरफ से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अरे वसीम रिजवी, तू अगर मर्द की औलाद है तो अंदर घुसने में बैठ के ये अल्फाज इस्तेमाल ना कर। खैर, अल्लाह ताला तो आज जो अंजाम करेंगे वो सारी दुनिया देखेगी। और हम जो मुसलमान, हमारे जो है जज्बात को जो ठेस पहुँचा है उसके ताल्लुक से तू मैदान में आके बात कर, घुसनों में बैठ के इनके उनके सपोर्ट से जो कम्युनल होने की जो है छुप के अंदर बात करने की जरूरत नहीं है। तो मैदान में आके बात कर, उसके बाद में हम बताएंगे तेरे को तेरे वास्ते हम क्या कर सकते हैं। और जो भी फैसला है अल्लाह का फैसला भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द करीब आ जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम का, और इंशाल्लाह आगे भी अगर तेरे ऊपर अगर कंप्लेन नहीं हुई तो हम जो है आगे बढ़ेंगे और भी जो है कोर्टों में केसेस बुक करके तेरा जो फैसला करना है करेंगे इंशाल्लाह।